नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका इस डिफेंस सेगमेंट में। और इस डिफेंस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सब जानते होंगे, हमने कल ही रिपोर्ट किया था कि यूएस ने ऑफर किया है इंडिया को अपना टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस THAAD। और ये ऑफर यूएस इससे पहले भी कर चुका है, लेकिन अब कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल सोर्सेज की माने तो ये ऑफर दोबारा इंडिया को किया गया है। और इसके साथ एक कंडीशन है कि अगर इंडिया अपना S-400 की डील जो कि रशिया के साथ है वो अगर स्क्रैप करता है तो यूएस THAAD सप्लाई करने को तैयार है। लेकिन जहां तक बात है तुलना की, इन दोनों की अगर आप तुलना करते हो तो ये कहीं ना कहीं जो भी इंडिया के डिफेंस प्लानर्स हैं उनके दिमाग में भी ये बात चल रही होगी, और जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं इंडियन डिफेंस फ्रेटर्निटी में उनके दिमाग में भी इसको लेके कहीं ना कहीं कंपैरिजन चल रहा होगा। तो आइए एक नजर हम भी डाल लेते हैं कि THAAD S-400 से किस तरह और कितना डिफरेंट है, और क्या ये दोनों कंपेयर करने लायक भी है या नहीं। जैसा कि आप सब जानते होंगे, S-400 एक एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम है जो कि सक्षम है किसी भी मैन्यूवरिंग टारगेट को मार गिराने में, चाहे वो टारगेट कितना भी फास्ट मनूवर कर रहा हो। और ये काम ये तकरीबन 400 किलोमीटर रेंज तक करने में सक्षम होगा। वहीं पे इसको कैपेबिलिटी दी गई है कि ये किसी भी तरह के क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को भी मारने में सक्षम होगा। अगर आप बात करते हो THAAD टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस की, तो ये सिस्टम बेसिकली एक लैंड बेस्ड सिस्टम है जो कि कैपेबल है किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल अर्थ के इनर एटमॉस्फेयर में हो या फिर आउटर एटमॉस्फेयर में हो, इन दोनों तरह के बैलिस्टिक मिसाइल को मारने में THAAD सक्षम है। अगर आप बात करते हो कि THAAD की कैपेबिलिटी किसी भी मनूवरिंग टारगेट को मारने में या फिर किसी भी एयरक्राफ्ट को मार गिराने में, तो इसकी ये कैपेबिलिटी ना के बराबर है। तो इसका जो लोवेस्ट ऑल्टीट्यूड है जहाँ पे ये किसी भी नजदीक टारगेट को मार के गिरा सकता है वो है 60 से 65 किलोमीटर का, जो कि किसी भी एवरेज एयरक्राफ्ट की डिस्टेंस से ऊपर है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एवरेज एयरक्राफ्ट इसके नीचे फ्लाई करके THAAD सिस्टम को विफल कर सकता है, क्योंकि इस किलोमीटर की रेंज से नीचे की टारगेट को ये उतना एक्यूरेटली हिट करने में सक्षम नहीं है। वहीं पर अगर आप बात करते हो कि इंडिया S-400 सिस्टम ले लेता है और इस S-400 सिस्टम को IAF के कश्मीर बेस में डिप्लॉय कर देता है, तो किस तरह से ये ऑपरेट और एक्ट कर पाएगा, आइए जान लेते हैं एक बार। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि S-400 की रेंज इफेक्टिवली 400 किलोमीटर है, तो किसी भी कश्मीर एयरबेस से अगर पाकिस्तान के अंदर 400 किलोमीटर तक ट्रैक कर रहे हो किसी भी टारगेट को, तो आप अल्टीमेटली किसी भी पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के उड़ने से पहले उनके मिशंस को विफल करने में सक्षम रहेंगे। अगर मान लो कि ये सिस्टम भी S-400 का फेल हो जाता है, तो S-400 में दिया गया जो दूसरा मिसाइल है जिसकी रेंज तकरीबन 125 किलोमीटर है, जैसे ही S-400 के रडार को पता चलेगा कि पहला मिसाइल फेल हो चुका है अपने मिशन में, तो तुरंत ही जो दूसरा मिसाइल है जिसकी रेंज 125 किलोमीटर है उसको तुरंत लॉन्च कर देगा और उस टारगेट को इंगेज करके मार गिराने में सक्षम होगा। और जैसा कि आप सबको पता ही होगा, S-400 का जो रडार है उसकी रेंज तकरीबन 600 किलोमीटर है, और इस रडार का नाम 30K6E है, जिसमें तकरीबन 8 डिवीजन दिए गए हैं, और इसमें जैमिंग के अगेंस्ट काम करने के लिए स्पेशली एक सिस्टम लगाया गया है जिसका नाम MZKT7930 है, और ये एक एस बैंड बेस्ड रडार है जो कि तकरीबन 300 टारगेट को ट्रैक करने में सक्षम है और अपने ऑटोमेटिक मोड में तकरीबन 6 टारगेट को ट्रैक करने में सक्षम है। तो ये एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एरे रडार टेक्नोलॉजी का यूज करता है। तो अगर S-400 के रडार ने पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के किसी भी एक एयरक्राफ्ट को ध्वस्त कर दिया, तो कहीं ना कहीं दुश्मन की साइड में एक साइकोलॉजिकल मैसेज जाता है कि यहाँ पे एक पावरफुल रडार है जो कि आपको बहुत दूर ही डिटेक्ट कर ले रहा है, तो किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने से पहले उन्हें 10 बार सोचने की आवश्यकता पड़ेगी। और ऐसे रडार और सिस्टम एक फुल फ्लेज वॉर में काफी हैंडी साबित हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं THAAD की, तो THAAD बेसिकली एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, और ऐसा ही मिसाइल सिस्टम इंडिया ऑलरेडी डेवलप कर चुका है। तो इंडिया के पास एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी है जिसे आप PDV-1 के नाम से जानते हो, और हाल ही में PDV-2 डेवलप कर लिया गया है और उसको टेस्ट किया गया था फरवरी में। तो कहीं ना कहीं इंडिया अगर THAAD को इंडक्ट करता है तो ये इंडिया के ही एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो कैपेबिलिटी है उसको सपोर्ट करेगा, और इसे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, एंटी बैलिस्टिक कैपेबिलिटी के फेज 2 में इंडिया ने अपने एसेट वेपन में PDV-Mk2 यूज किया था, जिसकी रेंज कहीं ना कहीं नो एस्केप जोन के लिए 200 किलोमीटर है, और वो किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है 5000 किलोमीटर की रेंज में। तो इंडिया के एसेट वेपन में लगे फेज 2 के जो ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, इसकी रेंज किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने में तकरीबन 5000 किलोमीटर तक की है। वहीं पे इंडिया एक और ऐसा सिस्टम डेवलप कर रहा है जो कि मेनली फाइटर एयरक्राफ्ट पे फोकस्ड होगा। इसे स्पेशली डेवलप किया जा रहा है फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराने में, मतलब मैन्यूवरिंग टारगेट को मार गिराने में। जैसा कि आप सब जानते होंगे, फाइटर एयरक्राफ्ट एक हाईली मैन्यूवरिंग टारगेट होते हैं, तो उस तरह के सिस्टम को मार गिराने के लिए एक स्पेशल तरह की प्रणाली दी जाती है मिसाइल के कंबसन सिस्टम में, और इस प्रणाली के अंतर्गत मिसाइल का जो कंबसन सिस्टम है एक पर्टिकुलर स्टेज में कंट्रोल किया जाता है, और जिससे किसी भी हाईली मैन्यूवरिंग टारगेट को मार गिराने के लिए उसकी मैन्यूवरिंग को मैच करने के लिए मिसाइल के कंबशन में लगाए गए जो पर्टिकुलर सिस्टम है वो उसके कंबशन को वाइड ओपन करता है, जिससे फ्यूल की बर्निंग ज़्यादा होती है और थ्रस्ट ज़्यादा मिलता है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में,
और वो किसी भी मैनूवरिंग टारगेट को हिट करने में सक्षम होता है। तो इस तरह के सिस्टम इंडिया डेवलप कर रहा है जिसका नाम XRSAM दिया गया है और ये सिस्टम तकरीबन 250 किलोमीटर तक की रेंज अपने साथ रखेगा और इंडिया की ऐसी प्लानिंग भी है कि इस रेंज को और आगे बढ़ा दिया जाएगा फ्यूचर में, वो तकरीबन 500 किलोमीटर तक का होगा। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखते हो S-400 और THAAD सिस्टम में तो आप ये पाओगे कि S-400 सिस्टम इंडिया को एक एक्स्ट्रा एज देगा THAAD के ऊपर, जो कि एयरक्राफ्ट प्लस बैलिस्टिक मिसाइल प्लस क्रूज मिसाइल्स, तो इस तरह के मल्टीपल वेरिएबल टारगेट्स को हिट करने में सक्षम है S-400। वहीं पर THAAD एक पर्टिकुलर टारगेट को हिट करने में सक्षम है और हाईली मैनूवरिंग टारगेट को हिट करने में अभी इसकी जो एक्यूरेसी है वो S-400 से कम है। तो इस डिफेंस सेगमेंट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है गिव अस अ लाइक, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।